हाँ सिल्विया। अमित हैज कम टू मीट यू। सेंड हिम इन। मे आई कम इन सर? अमित। यस सर। कम इन। खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। थैंक यू सर। क्या काम करते हो? आई एम श्योर पूजा ने आपको बताया होगा मेरे बारे में। तुम जानते हो पूजा बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लड़की है, अभी उसे दुनिया के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, इमैच्योर है। परचेस ऑफिसर हूँ शॉपिंग रिटेल कंपनी में। कितना कमा लेते हो? सर 25,000 पर मंथ। मेरा मतलब सिर्फ सैलरी से नहीं था, कितना बना लेते हो? परचेस में हो तो कुछ ना कुछ कमीशन भी बनता होगा। नो सर, मैं कमीशन और कट नहीं लेता। हाँ हाँ, ऑनेस्ट मैन। पूजा का भी यही सोचना है, बट आई डोंट बिलीव इट। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शख्स मेरी लड़की के साथ अफेयर करे और उसके मन में पैसे की बात ना हो? मैं नहीं मानता। सर आई रियली लव हर। ओ कम ऑन, 5 लाख? 5 लाख में डील पक्की समझू? डील? कैसी डील? मेरी लड़की की जिंदगी से निकलने की। कम ऑन मैन। सॉरी सर। सॉरी, शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है। 10 लाख? सर माय फीलिंग, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। 20 लाख रुपए और एक 1 BHK घर तुम्हारे लिए। आई टोल्ड यू मैं पूजा से इतना प्यार करता हूं। 2 BHK फ्लैट और 20 लाख रुपए। मैं आपके बेटी से बहुत प्यार करता हूं। अमित, 3 BHK फ्लैट, बेशुमार दौलत और लेटेस्ट SUV, और क्या चाहिए तुम्हें? I think you are wasting my time. Thanks. वैसे आप घबराइए मत, मैं पूजा को कुछ नहीं बोलूंगा। वैसे तो आपको पता ही है कि पूजा कितनी सेंसिटिव लड़की है। आप सही कह रहे थे, पूजा बहुत ही इनमेच्योर है। और आप? पूजा कह रही थी कि आपके पास एक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और इसे संभालने के लिए कोई दूसरा है भी नहीं।